तो दोस्तों फिर से हम लोग आ चुके हैं ये पांडवास पॉन्ड के तरफ, मतलब जो रघुपुर पॉन्ड है। और अभी ऊपर चल के जाना है हमारे कैंप वाले एरिया में। रघुपुर फोर्ट भी ऊपर है और पांडवास टेंपल भी ऊपर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नन्ही सी चाल में पंखों सी बात है, बादल पे है कदम इनके, ख्वाबों की चाक पे हिरनों से दौड़ते, चंचल ये कब कहाँ ठहरे। सौंधी सौंधी खाक सी, बर्फियों की फाक सी, नाजुक और मीठी है ये मुस्कुराहटे। सपने देखने दो, मन की आंखें सेकने दो, हल्की हल्की आंच दो ना जरा। ये आपको जो कैद खाना में बता रहा था, ये ऊपर जो पत्थर सब दिख रहा है ना, वो था कैद खाना। राजा के जमाने में वहां से कैदियों को पत्थर बांध के धक्का देके नीचे फेंका जाता था। ये था उस टाइम का सजा। तो नीचे पांडवस वाले पॉइंट से हम लोग ऊपर आ गए हैं, और भी ऊपर जाना है, वो रघुपुर फोर्ट है। एक्चुअली हम लोग दूसरे एक ट्रेल के थ्रू इस तरफ आए थे ना, और रास्ता बहुत ख़तरनाक था। तभी यहाँ से पहाड़ चढ़ के रघुपुर फोर्ट जाएंगे, और वहाँ से 100 मीटर थोड़ा सा नीचे हमारे टेंट लगा हुआ है जहाँ पे मैं कैंप दिखाया था। तो ये रघुपुर फोर्ट ही है मेन अट्रैक्शन। तो चलिए आगे जाके दिखाते हैं। तो ऐसे चढ़ाई करके ऊपर जाना पड़ रहा है। ये एकदम ऊपर पहाड़ है और वहाँ पे रघुपुर फोर्ट है। प्रियंका आ रही है नीचे। तो दोस्तों मैं जो आपको शेपर्ड का मैं जब आप लोगों को बताया था शेपर्ड का दो डॉग मैं जब आप लोगों को बताया था शेपर्ड का डॉग यही है। ये पूरे रात भर यहाँ पे भेड़ बकरियों का पहरा देते ताकि बाघ वाघ ना आ जाए और अटैक ना कर दे भेड़ बकरियों को। ये डॉग यहाँ पे रहते पूरे रात भेड़ बकरियों के साथ, और ये एक साथ बहुत रहते हैं, चारों तरफ ये लोग पहरा देते रहते हैं। दोस्तों तो ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, चारों तरफ दीवार और पत्थर से बना हुआ इमारत, ये रघुपुर फोर्ट का टूटा हुआ अब शेष है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे
दिस इज़ द टॉप पॉइंट ऑफ रघुपुर फोर्ट, और ये आगे हमारा कैंप है थोड़ा सा, और यहाँ से भी 360 डिग्री व्यूज़ है, और एक पांडवस टेम्पल है बगल में, वहाँ से भी है। तो चलिए सांस फूल है, ऊपर उठ के ही आपको दिखाते हैं वीडियो। फिलहाल ये आप देख ही पा रहे हो कहाँ से हम लोग आ रहे हैं, एकदम वो पहाड़ी के एकदम पीछे, एकदम नीचे से, जहाँ पे पांडुरोपा हम लोग गए थे, और ये दोनों पहाड़ी के बीच में रघुपुर पॉन्ड है। भाई जी आराम से सोए हुए हैं, कि भाई जी को पता है कि वो 500 मीटर चलेंगे उसके बराबर हम 2 किलोमीटर चलेंगे। वो कछुआ और खरगोश का स्टोरी था ना, ओ भैया खरगोश, हम लोग है कछुआ। हाँ ये भी फोर्ट का टूटा हुआ पार्ट है क्या? नहीं, सिर्फ अकेला वही फोर्ट है ऊपर। ये रेन शेल्टर बन रहे थे। हाँ, तो ये ऊपर का जो पूरा रेंज है ना, वही रघुपुर फोर्ट है। तो चलिए आगे जाके दिखाते हैं। और फिर ऐसे जाएंगे सीधा ही ऊपर, कोई चल रहा अच्छा रही नहीं है। तो दोस्तों सनसेट का टाइम ऑलरेडी हो चुका है, अभी धीरे धीरे सनसेट होगा, लेकिन यहाँ पे क्लाउड बहुत ज़्यादा है, तो आई एम नॉट श्योर मैं कितना आपको सनसेट दिखा पाऊँगा, लेकिन ये जो व्यू है ये मैं सोचा कि आप लोगों को दिखाऊँ, कि चारों तरफ से क्लाउड जा रहा है और बीच में से सूरज मामा दिखाई दे रहा है, एक बहुत बढ़िया सा सीन है।
दोस्तों ये है रघुपुर फोर्ट में चढ़ने का स्टेयर्स। तो अभी आगे आप देख पा रहे हो वहाँ पे हमारा कैंप है और ये रघुपुर फोर्ट है। तो चलिए फोर्ट की तरफ आगे बढ़ते। तो दोस्तों ये है रघुपुर फोर्ट का एंट्रेंस। देखो ये जो पत्थर है ये पांडव के जमाने से ये पत्थर रखा गया है यहाँ पे, उस जमाने का ही पत्थर है। युगों युगों से ये पत्थर अभी भी यहाँ पे चट्टानों के जैसे बना हुआ है। ये सब पत्थर अभी के नहीं है, पांडव जमाने के टाइम से ही है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। पूरा रघुपुर फोर्ट है दोस्तों। यहाँ पे ये पूरे फोर्ट की जो व्यू है ये आप देख सकते हो। ये एक टाइम में फोर्ट हुआ करता था राजा रघु बोल के जो था, अभी ये पूरा टूटा फूटा है, इसका शिष्ट अवशेष ही बचा हुआ है। और आगे जो मंदिर है वो शायद सिंह ऋषि टेम्पल है, मैं आगे जाकर दिखाता हूँ। और ये है रघुपुर फोर्ट का नज़ारा और चारों तरफ 360 डिग्री व्यूज है। अभी धुंध है, मैं हो सके तो ड्रोन सुबह उड़ाऊंगा क्योंकि पता नहीं अभी ड्रोन उड़ पाएगा कि नहीं। तो दोस्तों ये सब उस जमाने का है, एकदम जब से ये रघुपुर फोर्ट बना हुआ है 1600 सदी से। देखिए ये पूरे फोर्ट के अवशेष बचा हुआ है और इसको पता नहीं ये हेरिटेज अब इंडिया में आता है, लेकिन ये इंडियन हेरिटेज के हिसाब से इसका देखभाल तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भी हमारे इंडिया का एक आर्कियोलॉजिकल प्लेस होना चाहिए। दैट शुड बी आर्कियोलॉजिकल स्पॉट ऑफ इंडिया, बट इट हैज़ नॉट बीन मेंटेन्ड प्रॉपरली। हमारे देश में बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो धीरे धीरे लुप्त हो जा रहा है, खो जा रहा है सिर्फ कुछ लू फॉल्स के लिए। देखिए द हिस्टोरिकल ऑफ इंडिया, दिस इज इट हैव अ हिस्ट्री सिंस 1600 AD।
यहाँ पे बहुत सारे पॉन्ड वोंड बना हुआ है। और देखिए ये फोर्ट के सारे पत्थर टूटे टूटे ही है, मतलब जितने भी पत्थर है फोर्ट के, उस जमाने में ना सीमेंट था ना रेत था, ये सब चीज़ों से लोग बनाते ही नहीं थे, पत्थर के ऊपर पत्थर बिठाते बनाते थे और वो बन भी जाता था। और वैसे आज भी बना हुआ है, धीरे धीरे लुप्त हो रहा है विदाउट मेंटेनेंस के लिए, लेकिन इसको मेंटेन करने से इंडिया का एक बड़ा आर्कियोलॉजिकल प्लेस बन सकता है। हाँ? ये राजाओं के टाइम का कुआं है। अच्छा, कृपया कृपया कर भूल कुएं में पत्थर ना फेंके। अच्छा, कृपया कर कुएं में पत्थर ना फेंके, प्लीज डू नॉट थ्रो स्टोन इन द वेल। ओके, तो दोस्तों ये जो कुआं है रघुपुर फोर्ट के ऊपर, ये कुआं अंग्रेजों ने बनाया था? राजाओं के जमाने में कुआं बना था। ये कितना गहरा है? इसमें भाई 21 पौड़ियां हैं। 21 पौड़ी मतलब? मतलब जो ये 21 लकड़ देख रहे हैं आपको, ऐसे लकड़ लकड़ लगे। हाँ। ये नीचे को गिनो एक साइड से तो 21 है ये नीचे। तो ज्यादा डेप्थ नहीं है? बहुत ज्यादा डेप्थ है भाई जी। 21 होगा तो ज्यादा नहीं है, यहाँ से ही तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिख रहा है। 21 फीट से ज्यादा। हाँ, तो 8 पौड़ी यहाँ पे दिख रहा है और 12 पौड़ी नीचे होगा ना। इसको यूज नहीं, इस्तेमाल नहीं होता ये? हाँ, पानी के लिए होता था पहले पानी के लिए होता था। तो ये राजा महाराजाओं के जमाने में बनाया हुआ कुआं है। ये चारों तरफ आपको लक्कड़ दिख रहा है, लक्कड़ मतलब लकड़ी से एक एक स्टेप करके रखा हुआ ये कुएं के चारों तरफ से बाउंड्री। तो ऐसे 21 स्टेप नीचे तक है, मतलब ये 21 फीट का आप बोल सकते हो, 21 फीट का क्या, 21 फीट से भी ज्यादा बड़ा और डेप्थ कुआं है। और पता नहीं आज के जमाने में जाके और कितना डेप्थ बन गया है। तो ये 1600 सदी से ये कुआं बना हुआ है। और ये मंदिर, ये सिंह ऋषि टेम्पल है। तो दोस्तों हम लोग ऑलरेडी सिंह ऋषि टेम्पल की तरफ भी आ चुके हैं। जो सिंह ऋषि टेम्पल मैं आपको दिखाऊंगा बोल रहा था, हमारे एक येगी विलेज में तो एक है और जो सबसे टॉप पॉइंट में है यहाँ पे ही है। ऋषि जी की मूर्ति है अभी यहाँ पे, वो ठहरते हैं सिर्फ अंदर है ना। हाँ, यहाँ पे जब आते हैं फोर्ट, हर साल आते हैं तो यहाँ पे रात को ठहरते हैं। नीचे से लाया जाता है फिर? हाँ, देवते को। तो अभी भगवान जी अंदर नहीं है? अभी अभी नहीं है। तो दोस्तों दिस इज मूर्ति है उनकी अंदर ना बनी हुई। हाँ पे अंदर हो, मैं तो जूता पहन के जा नहीं सकता यार। अंदर है, अंदर जो दिख रहा है। जूता पहन के उठ सकते हो यहाँ तक? यहाँ तक जा सकते हो अंदर। हे भगवान जी माफ करना, बंद है अभी ये। ये एक चोला से बांधा हुआ है ना सिंह ऋषि जी के है। जय सिंह ऋषि जी, अगर कोई भूल के जिंदगी में माफ करना, और आपके यहाँ पे ठहरने आए हैं, कोई गलत काम करने के लिए नहीं आए। तो चलिए, ये भी कुआं था कोई? ये भी कुआं है। देखिए ये सब राजा महाराजा के जमाने में बनाया हुआ कुआं है। और ये पूरा फोर्ट है रघुपुर फोर्ट, मतलब ये मतलब एशिया का सबसे ऊंचा फोर्ट है, मतलब सबसे ऊंचाई पर बना हुआ किला है। मतलब एशिया में या पूरे दुनिया में? एशिया में तो भाई पूरे, मतलब एशिया में सबसे सबसे, दिस इज द हाई ऑल्टीट्यूड फोर्ट इन एशिया एंड दिस इज कॉल्ड रघुपुर फोर्ट। एंड बिहाइंड मी दिस इज श्री सिंह ऋषि टेम्पल एंड दिस इज एंटर द रघुपुर फोर्ट विच इज हाई ऑल्टीट्यूड फोर्ट इन एशिया। दिस इज द वन ऑफ एंड द टॉप मोस्ट हाइस्ट पीक इन एशिया। देर इज नो फर्दर हाई ऑल्टीट्यूड फोर्ट इक्वल टू दिस फोर्ट इन एंटर द एशियाज कंट्रीज एंड सिटीज। देखो भाई लोग कैसे कैसे फॉग और सूरज मामा कैसे कैसे वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को।
और चारों तरफ सिर्फ फॉग ही फॉग है। ऊपर में वो कुछ घूम रहा है मंदिर के ऊपर। अभी भी है आग लगी थी ना यहाँ पे, ये सारे काले पत्थर। मतलब उस जमाने का मतलब जिस जमाने में राजा महाराजा थे, इतनी आग लगी थी कि मेटल से जब पत्थर पे गिरी ना तो पत्थर के कलर भी ऐसे हो गए पिघल के। तो आग से ही फोर्ट खराब हुआ था। हाँ जला था, ये अंग्रेज जब यहाँ से गए थे ना तो जला दिया था, उन्होंने पीछे जला दिया। बहुत बदमाश है अंग्रेज लोग। हाँ तो उन्होंने सोचा अगर हमारा नहीं हुआ था फिर किसी का नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो भैया से पता चला, भाई जी से, ये फोर्ट को ना अंग्रेजों ने जला के गया था हमारे देश में, तो इसलिए इतना ही बचा हुआ है, ये सब जला हुआ पार्ट है, अभी भी वैसे ही रखा हुआ है। और दोस्तों यहाँ से कुछ पत्थर उठा के मत ले जाना, हाँ ये सही नहीं होगा। एंड हेयर इट इज 360 डिग्री व्यूज। फिलहाल अभी चारों तरफ धुंध है, एक बार फिर भी सुबह कोशिश करूंगा आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखो चारों तरफ सिर्फ धुंधला है, धुंधला चारों तरफ धुंध बना हुआ है दोस्तों। तो अभी कैंप जाए, कैंप की तरफ जाए। हाँ कैंप की तरफ चलते हैं, अगर मौसम खुल गया ना। हाँ इधर आ जाना। हेलो हेलो, हाँ जी, ओ चाचा मैं आ रहा हूँ, घूम रहे आज। हाँ अभी अंधेरा होने का भी कोई सीन नहीं है ना, अभी तो नहीं है मेरे ख्याल से, अभी तो चलना चाहिए, अभी फिलहाल यहाँ पे रुक के भी फायदा नहीं है। चलिए क्योंकि धुंध ही धुंध है चारों ओर। बाद में चलो। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा गिर गया था व्लॉग बनाते बनाते, आप लोगों को मैं बताया हूँ ना कि हम लोग बहुत रिस्क लेके व्लॉग बनाते हैं। गिर गया मेरा गोप्रो का सामने का जो स्क्रीन गार्ड था ना कैमरा का, वो टूट गया। ठीक है तो स्क्रीन गार्ड को मैं ओपन कर दिया ऑलरेडी, लेकिन
आप लोगों के लिए मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ बाबा के यहाँ से। भगवान कभी इंसान को निराश नहीं करने के लिए होता है। अभी नहीं होगा, अभी सनसेट 7 बजे के बाद होगा। 7 बजे के बाद? हाँ हाँ, अभी 5:52 हुए, अभी 6 बजे। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर कहीं सनसेट हुआ ना तो बाद में कैमरा लेके आना, अगर मौसम यहाँ पे रहोगे कुछ देर? मैं थक भी गया। अभी इतना साफ है ना, थोड़ी देर बाद ये फिर से पैक हो जाएगा। चलिए, मेरे ख्याल से बाद में आपको ना अगर भूल गया कहीं तो फिर ड्रोन देख के आना चाहिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि सुबह का भी कोई पता नहीं है कि साफ हो या ना हो। हाँ, जब भी मौका मिला आपको ड्रोन का। रघुपुर फोर्ट बहुत बड़ा एरिया लेके उस तरफ भी है फोर्ट। ये जो दीवार है ना, ये हाँ फोर्ट की जो शेप है ये गन शेप है। गन शेप में है? इसको मैं ड्रोन नहीं उड़ाऊंगा तो समझ नहीं पाऊंगा। और ये देखो जैसे पॉइंट कैसे होते हैं ना, ये बंदूक के लिए होते हैं, यहां से मतलब जो बाहर से अटैक। हां, ये सब क्या है? ये बाद में सराय बनाई थी आदमी के रहने के लिए ना, इनके छत वगैरह हवा में उड़ती। अच्छा, ये यहां के लोग बनाए? ये देखो ये ऐसे होते थे बंदूक वगैरह चलाने के। देखो दोस्तों, फोर्ट के भैया जी जो बोल रहे हैं, फोर्ट में जो ये बड़े बड़े होल है, उस जमाने में राजा महाराजा के जमाने में यहाँ से बंदूक से गोलियां चलाया जाता था दुश्मन के ऊपर। बंदूक से गोलियां, तोप, ये सब चलाया जाता था। तो ऐसे फोर्ट बनाया गया है। और ये जो फोर्ट है, ये देखो फोर्ट का शेप, मैं पता नहीं गोप्रो में कितना दिखा पाऊंगा। ये फोर्ट के शेप एक गन के शेप में है। अगर मैं ड्रोन को उड़ा पाऊँ यहाँ पर, पता नहीं अभी तो बहुत धुंध है, अगर ड्रोन को उड़ा पाऊँगा तो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। अगर ड्रोन को उड़ा पाऊँगा तो आप लोगों को दिखा सकता हूँ यहाँ पे जो फोर्ट कैसे दिखता है गन के शेप में। उस तरफ वाले सब फोर्ट वाले एरिया है। पांडवास टेम्पल किस तरफ है? उस आगे वाले पहाड़ में वो देखो सामने दिख रहा है। अच्छा, आगे दूर में और एक पहाड़ी है, हाँ उसमें पांडवास टेम्पल है। वो भी इतना ही सामने, मतलब टेंट से सामने ही है। टेंट नीचे है। और एक मैं चेयर देखा था रघुपुर फोर्ट में, एक चेयर, चेयर में सब बैठा हुआ है। एक 360 डिग्री व्यू पॉइंट है, एक चेयर रखा हुआ है, चेयर में लोग बैठे हुए है। कैसे मैं समझाऊं चेयर क्या है? हाँ हाँ हाँ, वो किस तरफ है? वो तो हर कहीं बने हुए हैं। नहीं, मैं देखा एकदम 360 डिग्री पॉइंट पर ही है। वो दिखा देते हैं बंदे ना।
हर कहीं चेयर के ऊपर बैठ के, क्योंकि 360 व्यू तो यहाँ पे फोर्ट पे हर कहीं पे है। वो जतिन भी देख के बोला कि वो रघुपुर में ही है। हाँ वो हमारी वो चेयर है, वहाँ पे लिखा भी था शायद बनवास करके पेंट करके। अच्छा अच्छा, इस रास्ते का अपना याद रखना आते वक्त। ये अज्ञात बस में आए थे हांडव, और हम लोग का भी अज्ञात बस ही है ये। कॉफी खावे की है? तो ये पूरा रघुपुर फोर्ट का ही एरिया है, आप लोग देख पा रहे हो। और हम लोग अभी आगे मूवमेंट कर रहे हैं हमारे कैंप के तरफ। यहाँ पे जो सनसेट होने का टाइम है, ये सनसेट होने का टाइम बोल रहा है कि 6:30 से 7 बजे तक है। तो उसके बीच में हम देखते हैं, अगर पूरा क्लियर हो जाता है आसमान तो फिर फोर्ट की तरफ एक बार आएंगे आप लोगों को दिखाने के लिए। पैर फिसल रही है यार, बात नहीं कर पा रहा हूँ यार। तो फोर्ट से अभी नीचे की तरफ हम लोग जा रहे हैं, हमारे ये पीछे रघुपुर फोर्ट है और फोर्ट की तरफ से अभी हमारे कैंप की तरफ जा रहे हैं। तो अभी जैसे आसमान पूरा धुंधला है, खुला नहीं है, और यहाँ पे भी कहना है कि 6:30 से 7 बजे तक सनसेट होगा। तो देखते हैं, अभी 5:30 बजा हुआ है, तो अगर आसमान क्लियर हो जाता है तो सनसेट का व्यू दिखा पाऊंगा। अब कितना होगा पता नहीं, क्योंकि जब हम लोग पांडुरुबा के लिए निकल रहे थे बारिश हो रहा था, मैं ड्रोन भी लेके नहीं निकला इसलिए, और मेरे गोपाल, राधिका और गणपति एंड दादा, मतलब बड़ा गोपाल, ये अभी तक टेंट पे ही बैठा हुआ है, बारिश के लिए उनको लेके निकला नहीं। तो चलिए आगे जाके दिखाते हैं।